हेलो गाइस, वेलकम टू सोम्या। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, यहाँ पे 500 मिलियन ट्रॉफी के लो कंपटीशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट आइडियाज मिल जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा मेहनत लगने वाला नहीं है। और पूरा केस स्टडी यहाँ पे बताऊंगा, आप लोग कैसे वेबसाइट बनाएंगे, कैसे इस पर कंटेंट लिखेंगे, और कैसे जो फ्री का कंटेंट जो कि आपको बिल्कुल फ्री में सारा का सारा कंटेंट आइडिया मिल जाएगा, आप कंटेंट लिखते ही जाएंगे। और सबसे आसान बात दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फुल लो कंपटीशन कीवर्ड का लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो बहुत ही बने वाले। अगर आप इस नीच पे अपना ब्लॉग और वेबसाइट स्टार्ट करके यहां से कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखना। अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, कमाई करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप लोग ही ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ब्लॉगिंग के बारे में हर एक छोटा सा छोटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, जहां से भी आपको ब्लॉगिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप वहां से लीजिए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, मैं भी कहता हूं कि अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, आपको ब्लॉगिंग सिखाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आपको सही से ब्लॉगिंग सीखना है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। अभी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे थंबनेल पे लिखा था 500 मिलियन ट्रैफिक। जी दोस्तों, यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रैफिक इस नीच पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लो कंपटीशन भी है, और यहाँ पे आप जो कंटेंट लिखेंगे वो भी बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। कैसे, फुल केस स्टडी के साथ इस वीडियो को बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको प्रॉपरली सब कुछ समझाऊंगा, आप लोग यहाँ पे कैसे अपना वेबसाइट को बिल्ड करेंगे प्रॉपरली आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में इसका मतलब जो नीचे भी बताएंगे उसका सारा का सारा लो कंपटीशन कीवर्ड का लिस्ट भी आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। जिनके पास भी आरएफ और सेमरस जैसे का प्रीमियम टूल नहीं है, उनको ये बहुत मदद करेगा। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिए। अभी बिना देरी के सीधे चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन पे हूं। जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको बताऊंगा कौन सा वो नीच है और कैसे आप लो कंपटीशन कीवर्ड यहां पे फाइंड करेंगे, कैसे अपना वेबसाइट सेटअप करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने यहां पे वीडियो बनाया था रिसेंट कुछ वीडियो जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। जैसे कि 7 रूल्स एक सफल ब्लॉगर बनने के लिए, अगर आप लोग अपने ब्लॉगिंग करियर में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को जाकर चेकआउट करें। और अगर आप media.net का अप्रूवल लेना चाहते तो ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट कंप्लीट गूगल पे सही से इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो इंस्टा इंडेक्सिंग के बारे में। और उसके बाद अगर आप अभी तक ब्लॉगर पे ब्लॉगर से वर्डप्रेस शिफ्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो का चेकआउट कर सकते हो। आप लोग कैसे अपना वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ड करेंगे इस पर मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया है, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं आपको भी बताता हूँ नीच कौन सा है और ट्राफिक आप कैसे लाएंगे, क्या क्या आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नीच है वो होता है फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल के रखा है गूगल कीवर्ड प्लानर में फुल फॉर्म के बारे में। यहाँ पे देखिए जो फुल फॉर्म है, इसी फुल फॉर्म का जो कीवर्ड है, इसका मंथली एवरेज सर्च वॉल्यूम 1 लाख से 1 मिलियन तक का है, ठीक है। आप सोच सकते हो, सिर्फ फुल फॉर्म जो लिखा है इसके ऊपर इतना ट्रैफिक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ISA फुल फॉर्म 1 मिलियन आसपास, UPSC फुल फॉर्म उसका भी 1 मिलियन के आसपास। तो ऐसे करके आपको लाखों में कीवर्ड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल कीवर्ड कितना है, यहाँ पे आसपास अभी के टाइम में जो सर्च हो रहा है वो हो रहा है 20,136। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RF में हम भी डाल के चेक करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया था, ठीक है, फुल फॉर्म नीच के बारे में मेरा वेबसाइट का। तो यहाँ पे वो वीडियो कौन सा है दोस्तों, ये रहा वो वीडियो अनलिमिटेड ट्रैफिक लो कंपटीशन इजी टू रैंक, ये था वो वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितना ट्रैफिक मैंने लिया है वो वेबसाइट पे, पर्टिकुलरली मैंने बताया था फुल फॉर्म के नीच के बारे में। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, यहाँ पे फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा और आप आसानी से यहाँ पे रैंक करा सकते हो। साथ साथ मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा इसका लो कंपटीशन कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो ट्रैफिक मैंने बताया, यहाँ पे आसपास 500 मिलियन का भी ट्रैफिक है या फिर उससे ज़्यादा ट्रैफिक है, ये 100% सच है। और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज मिलते रहेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म कभी बंद नहीं होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड फुल फॉर्म आगे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया फुल फॉर्म के नीचे। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पे कैसे काम करेंगे, पहले आपको केस स्टडी में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे फुल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फुल फॉर्म तो देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले देखिए कौन आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक जावा पॉइंट बायजू, उसके बाद देखिए फुल फॉर्म डॉट वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन स्टडी लाइब्रेरी .com, उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए vom.com,
और वेदांतु, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, फुलफॉर्म डॉट वेबसाइट। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, फिर भी ये बंदा यहाँ पे रैंक कर रहा है। और आप लोग कैसे करोगे, क्या करोगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको अभी यहाँ पे कीवर्ड एंटर करता हूँ, PHE फुलफॉर्म, ठीक है। ये देखिए एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन सा वेबसाइट पहले रैंक कर रहा है। देखिए यहाँ पे रैंक कर रहा है फुलफॉर्म एक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है ये मेरा वेबसाइट था, मैंने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन अभी के टाइम पे ये मेरा वेबसाइट अभी नहीं है क्योंकि मैंने इसे सेल कर दिया है। कितने में बेचा, क्या किस लिए बेचा, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए किसी भी कीवर्ड पे दोबारा एंटर करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। PHE फुल फॉर्म, इस कीवर्ड का वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो 3000 के अबव है, मतलब आसपास 4000 के वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नंबर वन पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मैं कैसे काम किया था, कैसे वेबसाइट सेटअप किया था, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दोस्तों आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपना वेबसाइट बनाना ट्राई करेंगे तो आप हो सके तो यहाँ पे ब्लॉगर ज्वाइन करिए, अगर बेटर होगा अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस ज्वाइन करते हो। तो अगर आप वर्डप्रेस ज्वाइन करना चाहते हो, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चीपेस्ट प्राइस में होस्टिंग के बारे में बताया है, आप लोग वहाँ पे जाके होस्टिंग खरीद सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एक वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरा एक फुलफॉर्म वेबसाइट और भी है जो कि मैं काम नहीं करता हूँ, उसको डेमो के लिए रखा हूँ, आप लोगों के लिए दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन आप खरीदेंगे उसका जो नाम है वो फुलफॉर्म इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस डोमेन का नाम पे मतलब HR फुलफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फुलफॉर्म आया हुआ है, आप देख सकते हो HRFullFarm.com। तो आपके सामने अभी क्या है, मतलब जब आप डोमेन खरीदेंगे उसका नाम उसके अंदर फुलफॉर्म आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो सेटिंग्स वगैरह है वो कैसे करेंगे मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताता हूँ। जनरल पे जाएंगे, आपको यहाँ पे दो चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपका जो टाइटल है, अपना वेबसाइट का जो टाइटल है, देखिए यहाँ पे HR फुलफॉर्म, यानी कि आपका टाइटल में भी फुल फॉर्म आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप पूरा फुल फॉर्म इंडस्ट्री का टारगेट करोगे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे HR फुल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितने भी टॉप टॉप कीवर्ड्स है, फुल फॉर्म, IAS फुल फॉर्म, UPSC फुल फॉर्म, ये सब कीवर्ड को लेके यहाँ पे डालना पड़ेगा आप टैग लाइन में, ठीक है। टैग लाइन में यानी कि HR फुल फॉर्म, IPSC फुल फॉर्म, USC फुल फॉर्म, सब कुछ यहाँ पे डाल के, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 160 कैरेक्टर में आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे बाकी जब जो जो आपको चेंजेस करना है आप कर लीजिएगा। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में पूरा गाइड चाहिए तो ये वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। ये वर्डप्रेस सेटअप, इस पर मैंने प्रॉपरली बताया है आप लोग कैसे क्या कुछ बनाएंगे वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको आइडिया आ जाएगा आप लोग कैसे ऐसे वेबसाइट बिल्ड करेंगे वर्डप्रेस में, ठीक है। अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो कंटेंट आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कंटेंट स्ट्रक्चर पूरा सिंपल है, आपको यहाँ पे ज़्यादा काम करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सीधे मतलब कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ दो मतलब टू लाइन का पैराग्राफ है, और यहाँ पे देखिए मतलब सिर्फ टू लाइन का पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ दो पैराग्राफ, उसके बाद टेबल्स, उसके बाद देख सकते हो सिर्फ और भी एक टेबल्स, उसके बाद FAQs, उसके बाद कंक्लूजन, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। और बीच बीच में इंटरनल लिंक, कहीं कहीं एक्सटर्नल लिंक, मैं आपको अभी बताता हूँ आप लोग भी कैसे ऐसे कंटेंट कैसे लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल जो कि मैं कर रहा था, आपको भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब आप कंटेंट लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे आप पहले, ठीक है। यहाँ पे ऐड व्यू पे क्लिक कर देते हैं, पोस्ट पे जाके जैसे आप नया पोस्ट ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी आपको एक करना है, यहाँ पे टाइटल डाल देना है, जैसे कि BXZ लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे किसका फुल फॉर्म लिखेंगे, कैब का फुल फॉर्म लिखेंगे, कैब फुल फॉर्म। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ व्हाट इज कैब फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अभी इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में द कैब फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद इज, उसके बाद दो तीन फुल फॉर्म उसके बारे में लिख देंगे, ऑल्सो कैब हैज मैनी अदर फुल फॉर्म्स,
और रजिस्टर्ड बिलो, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे भी लिख के आप आसानी से गूगल पे रैंक करा सकते हो। उसके बाद आप सिर्फ लिखेंगे मेनली PHE स्टैंड्स फॉर, मतलब ये देखिए जो भी यहाँ पे मैंने लिखा आप डिटेल में देख सकते हो, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको यहाँ रखेंगे, यहाँ पे आप करेंगे क्या, ये जो कंटेंट देखिए या जो फुल फॉर्म दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो फुल फॉर्म है, ये जो फुल फॉर्म आप लाएंगे कहाँ से, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेबल है, ये टेबल आप कैसे बनाएंगे, इसके अंदर जो कंटेंट यानी जो फुल फॉर्म्स है वो आप कहाँ से लाएंगे, इसके लिए एक वेबसाइट है जहाँ से आपको ये सारा मिल जाएगा। अभी जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए वो वेबसाइट क्या है, यहाँ पे देखिए acronymy thefreedictionary.com अगर एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आप जो भी आप फुल फॉर्म लिखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कैब, ठीक है, तो कैब एंटर मतलब कैब डाल के एंटर कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैब के रिलेटेड बहुत सारे फुल फॉर्म्स आ जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी बेस्ट है, जो भी आपको लगेगा कि ये सब कुछ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको आप पिक करिएगा। पिक करने के बाद आप अपने पोस्ट के अंदर ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है, और डालने के बाद जो भी फुल फॉर्म आप यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे चूज करता हूँ, तो इसे चूज करने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी इसको कॉपी करके हिंदी टू इंग्लिश मतलब ट्रांसलेट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पे लिखेंगे, अभी गूगल पे इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से बस कॉपी करके लेना है, यहाँ पे डाल देना है। ऐसे ही मैं करता था, इस कंटेंट को ऐसे लिखता था, आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको ये करने के बाद आपको और क्या करना है, यहाँ पे बीच बीच में इसके लिए मतलब जो विकिपीडिया का लिंक मैंने यहाँ पे दिया था, आपको एक्सटर्नल लिंक देना है और बीच बीच में आपका इंटरनल लिंक भी देना है और FAQs ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आप वर्डप्रेस के अंदर कैसे टेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बस यही कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो बार, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है, कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ यहाँ पे टेबल कैसे ऐड करेंगे वर्डप्रेस में। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आप लोग कैसे टेबल वगैरह गूगल मतलब वर्डप्रेस पे ऐड करेंगे, इस पर सेपरेट वीडियो भी बना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे टेबल सर्च कर देना है, TA, देखिए यहाँ पे आपके सामने टेबल आ गया। अभी आपको बोलेगा कि कितने आपको रो चाहिए, कितने कलम चाहिए, तो मुझे चाहिए 20 रो, ठीक है, यहाँ पे मैं 20 एंटर करूँगा, क्रिएट मार दूंगा। उसके बाद आपके सामने देखिए दो कलम और 20 रो क्रिएट हो चुका है। अभी आपको पहले क्या करना है, उसे पहले को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हेडर सेक्शन पे क्लिक कर देना है, तो पहला वाला हेडर हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आज इट इज अ डिटो, यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंगल रो भी बना सकते हो, यानी कि यहाँ पे देखिए या देखिए यहाँ पे आप सिंगल रो भी बना सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दोगे, अभी आपके सामने यहाँ पे आ गया क्या करेंगे, कैब फुल फॉर्म, ठीक है, अभी लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एक एक करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इसका डालेंगे पहले, कॉपी करेंगे यहाँ पे लेकर डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे नीचे डालेंगे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया है मेरे वेबसाइट पे, जैसे मैंने काम किया था मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बस आपके सामने ये हो गया, ठीक है। अभी आपके सामने आप ऐसे काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी काम किया था, और उसके बाद आपको एक दो इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक डालना है और थोड़ा छोटा मोटा इमेज भी डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बनाया है इमेज, और यहाँ पे FAQs आप कैसे डालेंगे वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे आपको सीधे कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, कोई भी ब्लॉग सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाला ब्लॉग, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, वेट कीजिए एक बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे FAQ, ठीक है, आपके सामने आ जाएगा FAQ। अभी आपको यहाँ पे Q1 प्लस पर उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल दीजिए, उसके आंसर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर इमेज ऐड करना है तो यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हो। बस यही है प्रोसेस, आपको ऐसे करके कंटेंट लिख लेना है, ठीक है। ऐसे अगर आप कंटेंट लिखेंगे आपको फ्री में यहाँ पे कंटेंट आइडियाज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से एक ही फॉर्मेट में लिखते जाएंगे, आपका वेबसाइट धीरे धीरे रैंक होता जाएगा। आप ऐसे करके अनलिमिटेड ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे बिल्कुल देरी मत करके कॉन्टैक्ट कीजिए और पूछिए जो भी डिटेल्स आपको पूछना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली और एक चीज़ है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे कीवर्ड्स है। अभी दोस्तों चलिए मैं आपको इसके बारे में लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म एंटर करके यहाँ पे देखते हैं कितने डेटा अभी है इसके पास, RF के पास
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतना सारा डेटा है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्लिक व्यू ऑल, यहाँ पे रिलेटेड टर्म्स से जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड आपके सामने आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे चूज करूंगा कीवर्ड डिफिकल्टी 0 to 5। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अप्लाई कर देंगे। इसके अप्लाई करने के बाद आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड आ रहा है। दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड का जो लिस्ट को चलिए एक्सपोर्ट कर लेता हूं। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल करा दूंगा। कैसे आप करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आपको इस कीवर्ड का लिस्ट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन होगा, लिंक होगा, जाके वहां पे गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो ये सारा का सारा कीवर्ड लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक्सपोर्ट कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक्सपोर्ट फर्स्ट 1000। ठीक है, पहले 1000 का जो कीवर्ड है वो एक्सपोर्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको यही सब कुछ प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बोला था लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, तो ऑलरेडी इसके बारे में लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया है अपनी वेबसाइट का, यहाँ पे जाके इस वीडियो में आपको देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अभी आई बटन पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जाके अभी का भी इस वीडियो का आप चेकआउट कर सकते हो, इसके बारे में लाइव प्रूफ भी देख सकते हो मेरे वेबसाइट का। ठीक है, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था, अगर मैंने यहाँ पे बताया था कि मैंने वेबसाइट सेल कर दिया है, कितने में सेल किया, क्यों सेल किया, अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली कमेंट करें, मैं इसके ऊपर वीडियो आगे बनाऊंगा। ठीक है, फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट है ब्लॉगिंग के बारे में या फिर इस वीडियो के बारे में तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताना मत भूले। अभी दोस्तों मैं आपको दोबारा यही कहना चाहूंगा, अगर आपने बीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।